हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन। मैं प्रीतेश एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं रफ्तार में बिल्कुल हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, हैज, हैव, हैड, विल हैव। अरे बाप रे, इतने सारे स्ट्रक्चर। अरे कुछ नहीं बाबा, हैव और हैव टू पढ़ना है अपने को, ये उसके टाइप है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जब कोई इंसान अपने पास किसी चीज की बात करता है, उसके पास कोई भी चीज हो, उसके पास कोई भी चीज हो, बोले तो कोई भौतिक हो, अभौतिक हो, फिजिकल हो, नॉन फिजिकल हो, मतलब अगर बात करें कि जो भगवान ने बनाई वो भी और इंसान ने बनाई वो भी, कोई भी चीज अगर होती उसके पास रिश्ते होते हैं, उसके पास कोई चीजें होती, इन सब को बताने के लिए जब वो पास होना वर्ड यूज करता है कि उसके पास कोई चीज है, तो वहां पर पास होना शब्द के लिए हैव का यूज किया जाता है। हैव का यूज किया जाता है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। वेलकम टू प्राइम मोटिवेशन चैनल। और मुझे लगता है ऐसा कि आप लोगों ने अपना चैनल लोगों तक पहुंचाया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग फिर सुनते नहीं हो, बाद में चले जाते हो, पता नहीं कहां चले जाते हो, गुम हो जाते हो। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके साथ हैव और हैव टू में आने वाली पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। चैप्टर नंबर 6 हमारा 2020 का 10 डेज का गेम शुरू करते हैं। अब इंसान के पास कभी किसी चीज का अधिकार जब बताया जाता है तो वहां पर हैव का प्रयोग किया जाता है, और इस हैव के यूज के साथ हम आर्टिकल प्लस नाउन का यूज करते हैं। ए एंड द आर्टिकल हमारा जो लगता है नाउन के साथ, और हम उसका यूज करते हैं हैव के साथ, जो कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल को कॉपी करके आता है। बोले तो आई वी ओ द पीएन के साथ हैव लगाया जाता है, ही शी इट हैज के साथ हैज लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है। पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कोई चीज थी उसके लिए हैड लगाया जाता है, फ्यूचर में कोई चीज किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होगी विल हैव लगाया जाएगा। आर्टिकल नाउन आपका जिंदा है, लगा दो, राइट। अब कोई चीज है, पेन, कॉपी, चेयर, टेबल, मोबाइल, लैपटॉप, तब भी, और कोई रिश्ता है मीन्स भाई, बहन, बच्चा, बीवी, कोई भी है, उसके लिए भी वही कंडीशन लगेगी। अब बात करते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव जब आता है तो हैव के लिए नेगेटिव में डोंट हैव कर दिया जाएगा, हैज के लिए डज नॉट हैव। क्यों? क्योंकि डज लगने के बाद एस हटता है, वही तो हैव प्लस एज इक्वल टू हैज था, तो वहां पर हम क्या करेंगे, डज नॉट हैव कर देंगे। पास्ट वाले को, हैड वाले को डिड नॉट हैव कर देंगे, फ्यूचर में विल हैव को विल नॉट हैव कर देंगे। आर्टिकल नाउन जिंदा है, लगा दो। मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है, हम इसको मेरे पास कार है, उसके पास कार है, मेरे पास कार थी और मेरे पास कार होगी, ऐसा बनाकर देखते हैं, फिर हैव टू देखते हैं। देखिए जरा, मैंने कहा मेरे पास एक कार है या मेरा एक भाई है, दोनों सेम बनेंगे, मतलब भाई को भाई लिखना, कार को कार लिखना, नहीं तो भाई को कर दो कार और खुद हो जाओ बेकार, ऐसा नहीं करना। तो मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, डोंट आई हैव अ कार, व्हाई डू आई हैव अ कार, व्हाई डोंट आई हैव अ कार। अगर मैं बात करूंगा ही शी टेसन की, मैं बोलूंगा उसके पास एक कार है, तो ही हैज अ कार, ही डज नॉट हैव अ कार, डज ही हैव अ कार, व्हाई डज ही हैव अ कार, व्हाई डज नॉट ही हैव अ कार। अगर मैं बात करूंगा मेरे पास कार थी गुम गई, दूसरी ले लूंगा, मत करो तुम चढ़ा रहे हो, मेरे पास एक कार थी, तो आई हैड अ कार, आई डिड नॉट हैव अ कार, डिड आई हैव अ कार, डिड नॉट आई हैव अ कार, व्हाई डिड आई हैव अ कार, व्हाई डिड नॉट आई हैव अ कार। मेरे पास कार होगी, आई विल हैव अ कार, आई विल नॉट हैव अ कार, विल आई हैव अ कार, विल नॉट आई हैव अ कार, व्हाई विल आई हैव अ कार, व्हाई विल नॉट आई हैव अ कार। कितने सारे बना दिए मैंने, नहीं ठीक है, 6 ही बनाए हैं, राइट। तो हमारे ये सेंटेंस हुआ। अब बात आती है कि चीज, अब ये तो मैंने बोल दिया चीज भाई होगा, तब भाई होगा तब भी यही कंडीशन बनेगी। कैसे बनेगी? इसकी रफ्तार भी आपको ऐसे मेंटेन करना है, हाँ ऐसी मेंटेन करना, बोल के करना दादा, चुप रहे नहीं। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर, आई डोंट हैव अ ब्रदर, डू आई हैव अ ब्रदर, डोंट आई हैव अ ब्रदर, व्हाई डू आई हैव अ ब्रदर, व्हाई डोंट आई हैव अ ब्रदर। समझ में आया ना? नहीं आया, ठीक है। अगला देखो, उसका एक भाई है, दूसरे का होगा समझ में आएगा। उसका एक भाई है, ही हैज अ ब्रदर, ही डज नॉट हैव अ ब्रदर, डज ही हैव अ ब्रदर, डज नॉट ही हैव अ ब्रदर, व्हाई डज ही हैव अ ब्रदर, व्हाई डज नॉट ही हैव अ ब्रदर। मेरा एक भाई था, तुम ही तो थे, चले गए दूर, पास आओ भाई। ओके, आई हैड अ ब्रदर, आई डिड नॉट हैव अ ब्रदर, डिड आई हैव अ ब्रदर, डिड नॉट हैव अ ब्रदर, व्हाई डिड आई हैव अ ब्रदर, व्हाई डिड नॉट आई हैव अ ब्रदर। फ्यूचर, मेरा एक भाई होगा, ठीक है, आई विल हैव अ ब्रदर, आई विल नॉट हैव अ ब्रदर, विल आई हैव अ ब्रदर, विल नॉट हैव अ ब्रदर, व्हाई विल आई हैव अ ब्रदर, व्हाई विल नॉट आई हैव अ ब्रदर। चलेगा इस तरीके से, आपके पास चीज हो चाहे रिश्ता, हैव का यूज, पास है, पास था, पास होगा, पास था, पास्ता नहीं नाश्ता वाला, पास था वो वाला, पता नहीं कहाँ खाने पे चले जाते हो, भूख, मेरे मुंह पानी आ गया। चलिए तो के बाढ़ को रोकते हैं पानी की, और हम एक मिनट,
हम सेंटेंस को देखते हैं, देखो खाने की बात मत किया करो, कई बार कहा तुमसे, तो हम देखते हैं हम इच्छा और मजबूरी वाला सेंटेंस हमारा हैव टू वाला, मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास कोई चीज होती है, रिश्ता होता है, तो हैव आर्टिकल नाउन लगता है, लगता है। अब देखिए, अरे स्क्रॉल मत करो वीडियो को, पूरा तो देखो। अब बात आती है क्या हैव टू वाली बात, समझिएगा। जब कभी किसी इंसान के पास कोई काम होता है, काम काम बोले तो वर्ब, जाना आना, खाना पीना, पढ़ना मिलना, देखना सुनना, बस 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 यही वर्ब जो है, इन वर्ब का किसी व्यक्ति के पास अधिकार होता है, तो दो टाइप से इसको बोलते हैं, इच्छा और मजबूरी। काम करना है, करना पड़ता है, तो हैव के साथ टू लगा के वर्ब फर्स्ट लगा दो, इच्छा मजबूरी को बता दिया जाएगा। मुझे जाना है या जाना पड़ता है, मुझे जाना था या जाना पड़ता था, मुझे जाना होगा या जाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन पे आप अपनी इच्छा और मजबूरी को दोनों को मेंटेन करेंगे। वही छूट गया, ही शी डजन के साथ आप लगा दोगे, क्या लगा दोगे, ही शी डजन में हैज टू, क्लियर है। तो मैंने बोला मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, आई डोंट हैव टू गो, डू आई हैव टू गो, डोंट आई हैव टू गो, व्हाई डू आई हैव टू गो, व्हाई डोंट आई हैव टू गो, गाना बन रहा है, गाना गाएंगे गाएंगे। उसे जाना है या जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, ही डज नॉट हैव टू गो, डज ही हैव टू गो, डज नॉट ही हैव टू गो, व्हाई डज ही हैव टू गो, व्हाई डज नॉट ही हैव टू गो। कितना अच्छा लग रहा था ना, अपन गाना गाएंगे, डोंट वरी। या मुझे कहना था आई हैड टू से, आई डिड नॉट हैव टू से, डिड आई हैव टू से, डिड नॉट आई हैव टू से, व्हाई डिड आई हैव टू से, व्हाई डिड नॉट आई हैव टू से, ओए ओए एक मिनट, सॉरी सॉरी भाई मैं क्या करूं, कंट्रोल नहीं हुआ। ओके मुझे जाना होगा, I will have to go, I will not have to go, will I have to go, will not I have to go, why will I have to go, why will not I have to go। ये इच्छा और मजबूरी, करना था, करना पड़ता था, करना है, करना पड़ता है, करना होगा, करना पड़ेगा, इस सिस्टम से चलेगा। मतलब आपने एक चीज नोट करी, किसी से कहना मत, हैव आर्टिकल नाउन के साथ लगता है तो चीज को बता देता है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट लगता है तो काम को बता देता है, बाकी फॉर्मूला सेम है, लगा दो लगा दो और सेंटेंस को क्लियर कर लो। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग आते हैं इसके अगले वाले चैप्टर में, बोले तो छठवां हमारा चैप्टर, इसकी प्रैक्टिस आ रही है, प्रैक्टिस करिए, 10 दिन दूर नहीं है। अब हम आधा पार कर चुके हैं, 5 के बाद 6 हो चुका है, सिर्फ 4 वीडियो। आई चैलेंज यू, सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप कंटिन्यू, कीप द बॉल रोलिंग, टिल देन गुड बाय, बाय बाय, मीटिंग सून, बाय बाय।